एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा जाएंगे और उत्तर प्रदेश ने एक्टिव केस 67,000 पर नियंत्रित किए थे और फर्स्ट वेव में जो यहां पर प्रतिदिन आने वाले जो मैक्सिमम केस थे वो 7,200 तक पहुंचे थे। सेकेंड वेव जब आई महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, जब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दुनिया के विशेषज्ञों ने, देश के भी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की कि महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति थी, उत्तर प्रदेश तो आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी क्या स्थिति होगी। और उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से लेकर के 10-15 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आएंगे। हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, आप सभी मिलकर के जो एक रिजल्ट दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में सबसे अधिक पॉजिटिव केस आने वाली जो तिथि थी वह थी 24 अप्रैल, जिसमें 38,055 केस आए थे। हमारे यहां जो सर्वाधिक एक्टिव केस जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। और आज जब हम 16 मई में हैं, 16 मई को 24 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वह आए हैं 10,600 और एक्टिव केस वह घट करके अब आए हैं 1,63,000 तक। यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके हम लोगों ने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस दौर, यानी प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। आज 4.5 करोड़ टेस्ट कर उत्तर प्रदेश अपना पूरा कर चुका है और ये एग्रेसिव कैंपेन इस दिशा में उत्तर प्रदेश के द्वारा निरंतर चल रही है। पहला कोरोना पॉजिटिव जब यूपी में आया था तब हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी, आज 2.5 से 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास बेड्स नहीं थे, हमने फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता थी, 1,16,000 तक उसे पहुंचाया था। L2, L3 की 23,000 तक हमने बेड्स पहुंचाए थे, लेकिन सेकेंड वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता नहीं थी, L2, L3 की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ी, तो हम आज 80,000 तक पहुंचा चुके हैं। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी, लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले, एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे। और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दिशा से अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है और जिसमें अकेले मेरठ जनपद में 10 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में जिन पर या तो कार्य प्रारंभ हो चुका है या जिन पे कार्य होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यहां के मेडिकल कॉलेजेज, हॉस्पिटल और CHCs में ज्यादातर को हम लोग ऑक्सीजन की दिशा से आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर से ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हर एक जनपद को इस दौरान उपलब्ध कराए गए हैं। एक आशंका जो व्यक्त की जा रही है वह 2-3 चीजों को लेकर, एक गांव में इंफेक्शन की दिशा से उत्तर प्रदेश ने 2 मई से ही इसके बारे में एक एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें निगरानी समितियां स्क्रीनिंग का कार्य कर रही हैं,
हर लक्षण युक्त और संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध करा रही हैं, उनकी सूची ICCC के साथ दे करके, फिर ICCC से रैपिड रिस्पॉन्स टीम वहां जाकर के एंटीजन टेस्ट करती है, उन्हें मरीज के लक्षण के अनुसार हॉस्पिटलाइज करना, क्वारंटीन सेंटर में रखना या होम आइसोलेशन में रखना, इन सब पर कार्य हो रहा है। और एक एग्रेसिव कैंपेन वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर 97,000 राजस्व गांवों की दिशा लेकर के राज्य सरकार ने लिया है, और यह अभियान हमारी 60,000 से अधिक जो निगरानी समितियां बनाई हैं, जिसमें 8 से लेकर के 10 सदस्य निगरानी समिति में हैं, और 12,000 नगरीय क्षेत्रों में ये निगरानी समितियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं। इसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना के संक्रमण से बचाव के अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट कोविड पेशेंट भी हमारे सामने आ रहे हैं, ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें प्रदेश और देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को रखा गया है। ये सभी ग्रुप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है, सेकेंड वेव कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं, थर्ड वेव में हमें क्या करना है, ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। कल उत्तर प्रदेश ने इसकी एक एडवाइजरी पूरे जनपदों में जारी कर दी है, इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किसी भी पेशेंट के बारे में जो हाई रिस्क कैटेगरी पहले से पहले वेव में कहा जा रहा था कि मधुमेह से जुड़े हुए, डायबिटीज से जुड़ा हुआ पेशेंट, उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए, या हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी को लेकर के कल एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है। और इसके लिए भी मुफ्त में उपचार की व्यवस्था हर एक जनपद में बनाने की कार्रवाई की के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और थर्ड वेव को रोकने के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी व्यापक रणनीति बनाई है। 45 से ऊपर के लोगों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है, और मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की इस कार्रवाई के साथ प्रदेश में अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम दे चुके हैं। 18 प्लस में मेरठ जो कमिश्नरी है, इसमें 50,000 यूथ को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने फेज वाइज 18 प्लस के लिए फेज वाइज प्रारंभ किया है। पहले 9 जनपद जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस जहां थे, पॉजिटिविटी ज्यादा थी, उन पे किया, फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लागू किया। अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिश्नरी मुख्यालय पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में 18 प्लस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने एक व्यापक रणनीति बनाई है, जो कि कोरोना कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। इस दौरान राज्य सरकार ने उन सभी लोगों को, 15 करोड़ लोगों को जो पात्र गृहस्थी के, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की तीन महीने का मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के कार्य को आगे बढ़ाया है। यह राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अतिरिक्त होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके अतिरिक्त यह खाद्यान्न उसके अतिरिक्त होगा। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, जितने भी लेबर संगठित और असंगठित क्षेत्र के जितने भी लेबर हैं, हमारे नाविक हैं, कुली हैं, पलेदार हैं, मोची हैं, नाई है, धोबी है, इन सभी लोगों को भी जो प्रतिदिन कमाते थे और उससे अपने परिवार की आजीविका चलाते थे, उनको भरण पोषण भत्ता भी देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कल इसको स्वीकृति दी है। और हरेक जनपद में हम लोगों ने इसके व्यापक योजना बना करके इसको लागू करने का कार्य किया है। थर्ड वेव को रोकने के लिए भी अभी से कार्य योजना हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, हाई रिस्क कैटेगरी को अवेयरनेस के लिए जागरूक करना,
और अवेयरनेस के व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार लोगों में अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वहां पे एक पीडियाट्रिक का आईसीयू का निर्माण अभी से प्रारंभ हो जाए। उत्तर प्रदेश के पास इंसेफ्लाइटिस से लड़ने का अनुभव है, हम लोगों ने इसकी व्यापक कार्य योजना पहले से बनाई है। इंसेफ्लाइटिस में मौत के आंकड़ों को हम 95% कम करने में सफल हुए हैं और इस समय हम लोगों ने उसी तर्ज पर थर्ड वेव को फेस करने के लिए भी अपनी एक व्यापक रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारी जो प्रदेश के अंदर विशेषज्ञों की समिति है वह निरंतर इस पर कार्य कर रही है, भारत सरकार के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से हम इसको भी नियंत्रित करने में सफल होंगे। मेरी आप सबसे भी अपील होगी कि इस महामारी से लड़ने में एक बहुत बड़ा रोल अवेयरनेस का होगा और मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है पब्लिक अवेयरनेस में। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जो पहले चरण से ही, पहले फर्स्ट फेज से ही कहा जा रहा है कि फर्स्ट वेव के समय की हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकले, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिन्हें शुगर है, जो कैंसर के रोगी हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं, वे घर से बाहर ना निकले, घर में भी मास्क लगा करके चले। गर्भवती महिलाएं हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, कम इम्यूनिटी के लोग हैं, ये लोग घर के बाहर ना निकले। शेष अन्य लोगों को निकलना ही हो तो मास्क लगा करके चले, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें, किसी वस्तु को छू रहे हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या साबुन पानी से साफ करें, हाथ साफ करें। इन सभी नियमों के बारे में अगर पब्लिक को हम अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें, तो एक बहुत बड़ा कार्य जो है कोरोना को रोकने की दिशा से और उसकी चेन के, संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में हम लोग काफी हद तक सफल हो सकते हैं। देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आपके माध्यम से भी सभी लोग जागरूक हो सकेंगे, इस अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।